हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ फिटोलिक्स। क्या आप गेस कर सकते हैं आज का वीडियो किस टॉपिक पे है? इट इज़ अबाउट योर जिम शूज़। आज के डेट में मार्केट में एक वैरायटी ऑफ जूते आप लोगों के पास अवेलेबल हैं टू चूज़ फ्रॉम। सो आज मैं आपके उस चॉइस को थोड़ा ईजी बनाने का कोशिश करूँगा। सो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल यू नीड टू नो अबाउट वॉट एंड ऑन वॉट बेसिस यू शुड चूज़ योर जिम शूज़। काफ़ी स्पोर्ट्स के लिए टेक्निकली बहुत सारे वैरायटी ऑफ जूते आते हैं। क्रिकेट के लिए कुछ शूज़ हो गया, टेनिस के लिए कुछ और शूज़ हो गया, या बास्केटबॉल के लिए कुछ ज़्यादा कुशन वाले शूज़ हो गए। बट व्हाट आई एम हियर टू टेल यू इज़ फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ फिटनेस प्रोस्पेक्टिव एज टू व्हाट शुड बी एन आइडियल जिम शूज़। मैं एक फिटनेस एक्सपर्ट के हिसाब से अपने जूतों को तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे चूज़ करता हूँ। व्हाट आर दिस थ्री क्राइटेरियाज? वन, सेफ्टी। मैं सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। टू, कंफर्ट। एंड थ्री, फैशन। तो चलिए एक एक करके वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस क्राइटेरियाज। लेट्स बिगिन बाय डिस्कसिंग द पॉइंट नंबर वन, सेफ्टी। आज की डेट में मार्केट में काफी ज्यादा ब्रांड्स हैं और इन ब्रांड्स के बीच में हमेशा कॉम्पिटिशन रहता है टू मेक द सेफेस्ट पेयर ऑफ शूज। वाई? बिकॉज नो वन वॉन्ट्स टू पुट देयर बॉडी और फीट, जो कि पूरे बॉडी का वेट लेता है, इन समथिंग विच इज नॉट सेफ। आज की डेट में मार्केट में काफ़ी मॉडर्न और इम्पोर्टेड ब्रांड्स के डुप्लीकेट और फर्स्ट कॉपी जूते मतलब बिक रहे हैं मार्केट में। पीपल टू सेव सम माइनर अमाउंट ऑफ मनी बाय दो शूज। आई वुड से एब्सोल्यूटली नो। आप अपने जूतों के ऊपर कुछ अच्छा और बेहतरीन शूज़ के लिए कुछ अच्छा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज योर शूज़ हैव टू बी एब्सोल्यूटली सेफ। अगर आपने कुछ गलत और अनसेफ शूज़ यूज़ किए तो जिम में दैट कैन रिजल्ट इन लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स, एंड ट्रस्ट मी, इट कैन ऑल्सो मेक यू बेड रिडन। द इंजुरीज जो इन जूतों के अनसेफ होने की वजह से होंगे वो काफ़ी डेंजरस हैं। So I would suggest don't go for first copies, always invest in good brands which are safe. Now थोड़ा elaborate करते हैं safety एक जूतों में होता क्या है। Safety in a pair of shoes is proper balance and proper grip। जो हमारे imported और good Indian brands हो जाते हैं, imported brands होंगे या Indian brands होंगे, वो अपने shoes को aerodynamically design करते हैं ताकि एक प्रॉपर बैलेंस और ग्रिप मेंटेन हो। इससे क्या होगा, ताकि अगर आप कुछ गलत वे पे लैंड करते हैं तो आपके एंकल्स और नीज प्रोटेक्टेड रहते हैं। इससे क्या होता है, कोई भी स्ट्रेनस एक्सरसाइज भी अगर आप कर रहे हो तो आपके जूतों की ग्रिप सही होता है, एक माइनर स्लिप से इंजरी हो जाता है। तो मेरे लिए ये एडवाइस होगा आपके लिए, ऑलवेज go for a safe pair of shoes and don't try to save money compromising your safety. The second most important point for me is comfort of these shoes. To ye comfort actually hai kya? Mere liye comfort is about finding the right fit of shoes. Aap koi bhi joota select kar lijiye, agar wo aapke pairon se ek size chhota rahe या एक साइज ज़्यादा रहे तो आप उन जूतों को ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पहन सकते। तो विल यू एवर ट्राई टू बी इन अ शूज़ विच आर अनकम्फर्टेबल? नो, क्योंकि आप उन जूतों में ज़्यादा टाइम ना कि वर्कआउट कर पाएंगे, ना उस जूतों को ज़्यादा टाइम आप पहन पाएंगे। सो इट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ कम्फर्टेबल पेयर ऑफ शूज़ विद द राइट फिट। तो मेरे लिए ये कम्फर्ट है। जैसे आपको पता होगा कि मैं एक फिटनेस प्रोफेशनल हूँ, मुझे जिम फ्लोर में कुछ अराउंड 6 घंटे खड़े होने पड़ते हैं एक दिन में, ऑन एन एवरेज, कभी कभी ये 8 घंटे भी होते हैं। नाउ मैं क्या करता हूँ, अपने जूतों को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए आई यूज़ एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सोल।
नाउ ये एक जेल फॉर्म सोल है जो कि मैं अपने जूतों के अंदर डालता हूँ, कोई भी जूते हो जाए, डिफरेंट साइजेस में आते हैं, ताकि दे गिव मी एन एक्स्ट्रा बिट ऑफ कुशन, एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ मोर वैल्यू टू द कंफर्ट कुशन. आई डोंट वांट माय फीट टू बी इन एनी अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट, सो आई टेक अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा केयर. सो माई सजेशन वुड बी फॉर दोज पीपल जो कि अपने जूतों पे जरूरत से ज़्यादा, यानी कि रेगुलर लोगों से कुछ ज़्यादा टाइम खड़े रहते हैं या ज़्यादा टाइम पहनते हैं और उनका एक्टिविटी लेवल कुछ ज़्यादा है, तो अपने जूतों को कंफर्टेबल बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा कंफर्ट जेल फोम यूज़ करें. थर्ड पॉइंट इज फैशन. नाउ आज की डेट में मार्केट में अगर इतने वैरायटी हैं तो आपके जूतों को सिर्फ सेफ्टी और कम्फर्ट से कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा. Because all leading brands are working to make your shoes as fashionable as possible. अगर उतने ही पैसे में आपके जूतों ने कुछ सिर जिम में घुमा लिए और आपके जूतों के बारे में किसी ने आके पूछ लिया कि बेटा तुम्हारे जूते तो काफ़ी अच्छे हैं. So these are few head turners which add an extra additional value to your shoes. आपके जूतों का पैसा तो उसी टाइम उठ जाएगा ना. तो द रियलिटी इज कि आज की डेट में कॉम्पिटिटिव मार्केट इतना ज़्यादा है कि आपके जूतों को सिर्फ सेफ्टी और कंफर्ट के बेसिस में कोई नहीं खरीदेगा. योर शूज हैव टू लुक टू हैव एन एक्स फैक्टर. तो ऑल लीडिंग ब्रांड जैसे कि एडिडास हो गए, प्यूमा हो गए और नाइकी हो गए, दे एड अ लिटिल बिट मोर. वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ वो काफ़ी फैशन डिजाइनर्स के साथ रिसर्च करते हैं ताकि आपके शूज़ को अट्रैक्टिव बनाया जाए. आज की डेट में जूते अलग ही अलग कलर कॉम्बिनेशंस में आते हैं लोगों के टेस्ट और उनके पसंद को लेके. तो कंफर्ट और सेफ्टी को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए एक बेहतरीन अट्रैक्टिव शूज़ भी मार्केट में अवेलेबल है जो कि आप चूज़ करें. और आज की डेट में अगर आप एक मार्केट एनालिसिस करते हैं तो लोग कंफर्ट और सेफ्टी को कम प्रायोरिटी और जूतों के लुक्स के ऊपर ज़्यादा जाते हैं. मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कंफर्ट और सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे बेटर अगर आपको फैशन मिल ही जाता है तो क्यों नहीं. सो थर्ड पॉइंट फैशन, एंड पीपल डू नॉट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन फैशन नाउडेज बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी इन मार्केट. मैंने बेसिकली आपको तीन पॉइंट्स तो बता दिए जिससे आप जूते चूज कर सकते हैं. कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव द लॉन्जिविटी ऑफ योर शूज़. आप कोई भी जूते यूज़ कीजिए, अगर वो जूता अच्छा लास्ट नहीं करता, इट इज़ नॉट ओनली द फॉल्ट ऑफ द शूज़, इट इज़ ऑल्सो द फॉल्ट ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट. सो वॉट आई डू टू इम्प्रूव द लॉन्जिविटी ऑफ माई शूज़ इज मैं हमेशा अपने जूतों को रेगुलरली क्लीन करता हूँ. आई नेवर यू नो डर्टी माई शूज़. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई कीप माई शूज़ ओडर फ्री. मैं नैप्थलिन बॉल्स यूज़ करता हूँ अपने जूतों के अंदर आफ्टर यूज़, सो दैट दे डू नॉट हैव एनी स्वेटी ओडर्स. आई ऑलवेज रैप इट इन अ पीस ऑफ टावल टू टेक द ओडर अवे एंड टेक द स्वेट अवे. एंड वॉट आई यूजली डू आफ्टर द यूज़ ऑफ माई शूज़ इज पुट सम क्रश्ड पेपर इन टू माई शूज़ लाइक दिस. यू कैन सी दिस इज़ अ क्रश्ड पेपर. Now what happens by this, you maintain the shape and size of the shoes. इससे क्या होता है ना, आपका जूता सिकोड़ नहीं जाता है after repeated use. It retains its perfect shape. तो इससे क्या होता है, ये जूते हमेशा आप regularly use करने के बाद भी अपने नए जैसे shape में रहते हैं. उससे ना कि आपका safety और comfort जो होता है ना long term के लिए अवेलेबल हो जाता है. सो ये कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि आपको अपने जूतों को केयर करने के लिए हेल्प करेंगे. फॉलो करके देखिए और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज दीजिए. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड स्मैश द बेल आइकॉन. अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हमको कमेंट सेक्शन में लिखिए. अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए देन प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.